जितनी इसकी निंदा करें उतनी कम। हम किसी गौर शब्द निंदा करते हैं। वैभव गहलोत को कोई 5-10 साल में सुनता रहता हूँ, लोग शिकार ईडी में करते करते। एक वो महाराष्ट्र के आए थे मेंबर पार्लियामेंट, एक्स मेंबर पार्लियामेंट, तब से सुन रहा हूँ मैं। और परसों कल नोटिस मिला, आज वहां जाकर हाजिर हो ईडी के अंदर। कल नोटिस मिला, तारीख लगी 19 तारीख लगी हुई, कल 25 को नोटिस, 26 को आप हाजिर हो जाओ। तो क्या है, तो ये मजाक नहीं है क्या? ये हमको गवर्नर ने भी, हमारे नंदा साहब ने कहा, कांग्रेस पार्टी उसके नेता कोई गवर्नर वाला नहीं है, चाहे वो कितना ही ईडी का दुरुपयोग करे। हमारे यहाँ जो टीडी दल आता है उस नेता से, सीटीडी जो पाकिस्तान से आता है टीडी दल, वो फसलों चट कर जाता है। ईडी इनकी फसलों को चट कर जाएगी। ईडी जो है ना, बीजेपी की ऐसी हालत खराब करेगी, गांव गांव बात फैल जाएगी कि टीडी दल की तरह ईडी का उपयोग कर रहे हैं, आप समझ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो, और आप इनके इतिहास देखिएगा, आपको आश्चर्य होगा इन्होंने कैसी मजाक बना रखी है और इनकी क्रेडिबिलिटी क्या रही है। 2004-2014 के बीच में जब यूपी गवर्नमेंट थी तो 112 सर्च की गई, क्योंकि जेनुइन सर्च की गई थी, जेनुइन कंप्लेंट थी, इसलिए 112 में से 104 के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। मतलब 112 सर्च और 104 चार्जशीट पेश कर दी गई, 93%। ये उसका काम था। अब क्या हो रहा है, 14 के बाद में 3010 जगह छापे डाले, छापेमारी की 3010, कहां तो 112 10 साल में, और कहां 3010 9 साल में। इनमें 888 केसों में चार्जशीट से पेश की गई, मतलब 29%, 93% यूपी गवर्नमेंट में, क्योंकि जेनुइन छापेमारी थी, जेनुइन काम होता था, और 29% शेयर। इससे अंदाज लगा लीजिए, और कोई बीजेपी नेता से पाक साफ है, कोई कांग्रेस नेता जाता है बीजेपी में तो उद्धुल जाता हूं आपको मशीन में। और तो प्रधानमंत्री खुद जो बोलते हैं अजीत पवार के बारे में, एनसीपी के बारे में, करप्ट पार्टी है, बड़ा आरोप लगाए। 2 दिन बाद में वो शामिल हो गए सरकार में महाराष्ट्र में, अजीत पवार साहब बन गए, वित्त मंत्री बन गए, जिनके ऊपर चार्ज थे उनको बना दिया खजाने का मंत्री बना दिया। तो इसको आप क्या कहेंगे, एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इतने मैं कहना चाहूंगा कि जब गांधी कल देंगे उस पर तो कहां का छापे डालने हैं पहले तय कर ले। ये हालात है तो आप सोच सकते हो कि डेमोक्रेसी में अगर ऐसी सरकार बनी बैठी है दिल्ली में जो लोगों दिल जीतने के बजाय अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, अपनी नीतियों से, अपने कार्यक्रमों से, अपने सिद्धांतों से आप कामयाब हो, उसकी बजाय आप जो है अब गुंडागर्दी कर रहे हो। गुंडागर्दी ही है, ऊपर के दबाव के बगैर ना ईडी आ सकती है, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स आ सकती है। तो आप देख लीजिए जो शेखर वाला केस है, संजीवनी वाला, उसमें कितनी बार ईडी को रिक्वेस्ट करी आने के लिए, वहां ईडी नहीं आई। 6 बार पत्र लिखे होंगे उनको, 6 बार रिक्वेस्ट की गई कि आप केस ले लीजिए, ईडी का केस ले लीजिए। जेल में बैठे हुए वो लोग, और शेखर साहब के ऑस्ट्रेलिया में, इथोपिया में, पता नहीं कहां कहां पर प्रॉपर्टी हैं, क्या लेन देन हुआ है। ईडी को रिक्वेस्ट करिए, एसओजी रिक्वेस्ट करिए, एसओजी रिक्वेस्ट करिए तभी पलवन की जा रही है। आप देख लीजिए इस प्रकार से हमारे कांग्रेस नेताओं को
जिस प्रकार से ये तंग किया गया है वो सबके सामने है, इसलिए आज हमने उचित समझा कि आप सबको बुलाया जाए, एक्सप्लोर किया जाए। जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां जाके ईडी छापे डालती है, चुनाव हम जीतते हैं। तो आप सोच सकते हो इसका मतलब क्या हुआ। तंग किया गया, 22 बार छापे डाले गए कर्नाटक के अंदर, चुनाव जीते कांग्रेस। हवा चल रही छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की, वहां तो मैंने कहा साल भर से बैठे ईडी वाले मकान किराए लेकर बैठे हुए, छापे डाल डाल के लगातार तंग कर रहे मुख्यमंत्री को, सरकार को। वहां कांग्रेस जीते जा रही है। राजस्थान में आप देख लीजिए स्थिति क्या है कांग्रेस की। मैंने कई बार कहा आपको, इस बार सरकार का मन है सरकार रिपीट करने का। ये माहौल बन चुका है राजस्थान के अंदर, इनको तकलीफ हो रही है, डरा रहे धमका रहे ये लोग। महाराष्ट्र में क्या किया, जिन जिन खिलाफ मुकदमे थे ईडी के, क्या शिवसेना टूट के गई अलग, तो उन्होंने मुकदमे वापस ले लिए गए नेताओं के। जो अजीत पवार के साथ गए थे साथ में द्वंद्व सरकार को, उनके मुकदमे वापस ले लिए गए। ये हालात है।